बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया को इसीलिए मुसाफिर खाना कहा गया है, क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। यह धन दौलत मकान व सामान जो इस मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर पड़े रह जाएंगे। संबंधी तथा परिवार के लोग जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित व प्यार है, जिनके मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, रैन बसेरे के साथियों की तरह है। जैसे पक्षी रात्रि में वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और दिन होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, इसी तरह से गुरुमुखो, जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते को पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। गुरुमुखो, समय रूपी सूर्य मनुष्य की जिंदगी को बर्फ की न्याई पिघलाता जा रहा है। श्वासों के आने जाने की गति जीव की आयु को हर समय कम करती जा रही है। सूर्य सुबह को निकलता है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को चमकते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बहार के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं और पतझड़ में सूख जाते हैं। इसी तरह से गुरुमुखो, सृष्टि का चक्र चलता रहता है, परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः लौट कर नहीं आती। इस मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। तो गुरुमुखो, अब सोचना इस बात को है कि क्या मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए या इससे कोई काम लिया जाए, और यदि काम लिया जाए तो कौन सा। क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला था। गुरुमुखो, इस बात पर ध्यान देना है। इस जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है। नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को बचा सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। गुरुमुखो, यदि मनुष्य चाहे तो भजन अभ्यास और योग साधना करके मालिक से
मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में और इसी अवस्था में ही किए जा सकते हैं। इसीलिए जीव का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सद्गुरु की शरण में जाकर भजन अभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करे, ताकि समय के बीत जाने पर बाद में पछताना ना पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।